स्टेशन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मंदिर का क्लीनिंग। तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मंदिर का डीप क्लीनिंग आप दिखाइए। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ कि मैं अभी जो है वो नए घर में शिफ्ट हुई हूँ। तो मैंने सोचा था कि पुराने घर में क्यों ही करूँगी मैं, क्योंकि नए घर में आके मुझे दोबारा से जो है वो सब क्लीन करना ही है। तो जब हम आए थे तो मंदिर में भगवान जी जो है वो मैंने ऐसे ही सेट कर दिए थे, क्योंकि फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और अभी क्लीनिंग करने पे लग गई तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, बहुत मैसी हो रहा था, पूरा घर जो है वो सामान से भरा हुआ था। तो मैंने सोचा पहले उसको सेट कर लेती हूँ, उसके बाद फ्री होके जो है वो मंदिर की क्लीनिंग करूँगी। तो मैंने भगवान लगा दिए थे और आप देख सकते हैं सबका जो है वो ज्वेलरी वगैरह उतरा हुआ है, मैया है या राधा कृष्ण जी हैं, सबका ज्वेलरी जो है वो उतरा हुआ है। क्योंकि मैं वहाँ से जब लेकर आई थी तो सबको जिन्होंने भी जो भी ज्वेलरी पहनी थी वो सब मैंने उतार दी थी, क्योंकि रास्ते में गिर विर जाती इसलिए। तो यहाँ आकर भी ऐसे ही सब जो है वो बैठे हुए हैं, और अभी मुझे सबका ड्रेस भी चेंज करना है। तो मैं मंदिर जो है वो सब क्लीन करूँगी, और ये सब जो आप ग्रास मैट देख रहे हैं ये सब मुझे वॉश करनी है। तो वैसे भी तो मैं सोच रही हूँ स्प्रे से अच्छे से पानी डाल के पाइप वगैरह से धो दूँ, और अगर सर्फ में इसको डाल पाऊँगी तो सर्फ से जो है वो भिगो के थोड़ा सा फिर क्लीन कर दूँगी। सबसे पहले मैं भगवान जी जो है वो जगह से सब हटा देती हूँ, उसके बाद ये सब खाली करने के बाद फिर जो है वो हम क्लीनिंग शुरू करेंगे। सारे भगवान जी जो है वो पहले हटा देती हूँ मंदिर में से। देखिए अभी मंदिर की जो है वो कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है, और ये घास जो है ना जो हम मैट डालते हैं वो थोड़ा थोड़ा ऐसे निकल जाता है, बाकी जो है ये सब यहाँ पूरा सब ऐसा गंदा हो गया है। तो सबको जो है वो मैं क्लीन करूँगी, ये मैं लगे रहने दूँगी ऐसे के ऐसे ही। तो ड्रॉर्स जो हैं वो मैंने खाली कर दी हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो डर्ट हो गया है सब में। तो मैं इसको अच्छे से कोलीन से या किसी भी अच्छे लिक्विड से क्लीन कर लूँगी। वो पूरा मैंने जो है वो खाली कर दिया है, और ये भगवान जी को इस टेबल पे बिठा दिया है। बाकी सामान जो है वो इतना यहाँ रखा है, देखिए कितना सारा सामान है। बाकी इस कॉर्नर में ये जो अलमीरा है ना भगवान जी वाली, उसको मैंने इसका कवर जो है वो वॉश किया था, तो ये ऐसी खड़ी हुई है। तो इसमें अभी मैंने ये सारा सामान लगा दिया है। अभी ऊपर जो भी रखा हुआ है ये सब मैं और हटा लेती हूँ। करने वाली हूँ कोलिन का, और एक ये मेरे पास लिक्विड है इंडियन हर्बल क्लीनर। तो ये मेरे गेट पे जो है वो पुराने वाले घर में जो है वो बेचने आए थे। किचन क्लीनिंग का जो मैंने वीडियो डाला था उसमें भी मैंने ये शेयर किया था, इससे बहुत जल्दी जो है वो क्लीनिंग हो जाती है। तो सबसे पहले जो भी डर्ट वगैरह है वो मैं एक सूखे कपड़े से जो है वो सब हटा दूंगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट जो है वो कोलिन वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, जितनी भी डर्ट होगी वो सब चिपक जाएगी। इसलिए पहले डर्ट सारा झाड़ लूंगी, उसके बाद जो है वो इससे अच्छे से क्लीन करेंगे। Thank you.
क्लीन हो चुका है और आप देख सकते हैं पूरा जो है वो अच्छे से मंदिर चमक गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। और इधर का जो पोर्शन है ना, ये अभी इधर वाला साइड का बचा है, क्योंकि ये शेल्फ पर जो मैं सामान लगा दूंगी उसके बाद इसे निकाल के फिर जो है वो नीचे का क्लीन करूंगी। ऊपर का हाफ जो है वो यहाँ तक मैंने कर दिया है, उस साइड का मैंने पूरा कर दिया है, ऊपर का भी जो है वो हो चुका है। तो मंदिर क्लीन हो चुका है। अब मैं जो है वो इसकी मैट जो है वो धो देती हूँ, धूप अभी हो रही है, सूख जाएगी एक दो घंटे में, और उसके बाद मैं जो है वो ये सारा सामान लगाऊंगी। तो आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपने मंदिर को ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे नीचे से शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पर जो केशव के बुकरम वाले लहंगे हैं इसमें वो रखे हुए हैं, देन ये वाला जो है ये बिना बुकरम वाले जो अस्तर वाले हल्के हैं वो लहंगे हैं, इसमें उनके झबले और जितने भी पग बनाने के दुपट्टे हैं वो सब मैंने रखे हैं, और ये वाला जो बैग है इसमें उनके टी शर्ट्स और निकर और डैनम वगैरह वो सब रखे हैं। देन साइड में मैंने धूपबत्ती रख दी है, जो भी एक्स्ट्रा है वो हम अपने होम टाउन से लाते हैं। नीचे इनका गद्दा रखा है, तो कहीं ले जाते हैं तभी अब काम में आता है। देन पर्पल वाली बास्केट में सारे भगवान जी के वस्त्र हैं, और ये एक मेकअप बॉक्स था जो कि मैंने उसमें कुछ सामान भगवान जी का रखा है। इस बास्केट में भगवान जी का एक्स्ट्रा सामान है, जो भी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा में लॉन्ग वगैरह वो सब डिब्बियों में करके इसमें रखा है। केशव की एक ही पग है वो मैंने यहाँ नीचे रख दी है। देन अभी मैं बालों को जो है वो ऐसे ही रख दे रही हूँ, बाद में जो है वो मैं इनको पॉलीथीन में डाल के अच्छे से रख दूँगी। देन ये पुस्तक रखने का स्टैंड है वो भी मैंने साइड में रख दिया है, सच मेरे कोई काम में नहीं आता है। तो यहाँ मैं डिब्बे अरेंज कर रही हूँ जिनमें लड्डू माधव के वस्त्र हैं और उनके इनरवेयर हैं, और कुछ अलग से हैं, कुछ गद्दियाँ वद्दियाँ वो सब हैं, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ लगा दी हैं। तो यहाँ पर जो है इनके दो जो लॉन्ग वाले मोतियों के नेकलेस हैं वो मैंने साइड में डाल दिए हैं, वो भी मैं कम पहनाती हूँ। तो जो है वो नीचे का पूरा सेट हो गया है। ये जो बॉक्स है इसमें माधव के सारी पग रखी हुई हैं, और ये है टाल, तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ लगा दी हैं। ये डस्टर भी सेट हो गया है। तो देखिए नीचे का पूरा कितना अच्छे से अरेंज हो गया है, और सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ फिक्स हो गया है। ये बैग की चेन ख़राब हो गई है, जिसको मैं बाद में जो है वो ठीक कर दूँगी। निकल गया है इसका रनर, तो मुझे ठीक करना है, थोड़ा सा याद भी नहीं रहता है टाइम, तो क्या कहूँ याद नहीं रहता है इसलिए नहीं किया। तो बस अब ये बाद में ठीक कर दूंगी मैं। नीचे का हो गया है, अब मैं ऊपर अरेंज कर रही हूँ। तो ये वाला बॉक्स में सारे मतलब जितनी भी ज्वेलरी है वो मैं इस ड्रॉर में लगा रही हूँ। तो सबसे पीछे बड़े नेकलेस, उससे पीछे उसके आगे इयर रिंग्स, देन ये लड्डू माधव के हैं, और उधर भी बॉक्सेस में ज्वेलरी हैं, ये दोनों के पग हैं छोटे वाले, मुकुट और पग। दूसरे ड्रॉर में मैंने जो है वो पुस्तक लगा रखी है। ये एक मिठाई का डिब्बा है जिसमें मैंने धूप बत्ती और कॉटन रख रखा है, देन इत्र है, कलर है लिप्स वगैरह पे केशव के करने का, और सिंदूर है, और देन है आलता। ये वाला बॉक्स ढक्कन है उसका डिब्बे का, इसमें मैंने सारे इनके एक्सेसरीज रखी हैं, जो फ्लावर वगैरह पग में लगाती हूँ वो सब। तो इस ड्रॉर में जो डेली यूज़ में चीज़ें आती हैं पूजा पाठ में, वही सब चीज़ें रखी हैं। पर्स में मैंने बिंदी वगैरह लगा रखी हैं जिससे वो इधर उधर ना हो जाए। तो ये ड्रॉर भी जो है वो मेरा पूरा सेट हो गया है। तो देखिए कितना अच्छे से जो है वो चीज़ें सब दिख भी रही हैं, और बहुत ही अच्छा देखने में भी लग रहा है। अब मैं भगवान जी विराजमान कर देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मंदिर पूरा कितना ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। मंदिर में मैंने भगवान जी जो है वो सारे विराजमान कर दिए हैं, अच्छे से सब लोग बैठ गए हैं, और अब मैं आपको दिखाती हूँ एकदम ऊपर से। तो मंदिर के सबसे ऊपर जो है मैंने इस तरीके से दो फेक प्लांट रखे हैं, और दो ये पैरेट हैं जो कि आपने पहले भी देखे होंगे। बीच में लगा हुआ है तिरंगा, और पीछे जो है आप देख रहे होंगे तो धूप वगैरह जलाने के बाद जो है जब वो हटा देते हैं तो मैं पीछे रख देती हूँ। ऑयल की बॉटल भी जो है वो पीछे रखी हुई है, और गंगा जल रखा है, क्योंकि ऑयल की बॉटल बड़ी है, ड्रॉर्स में नहीं आती है, तो वो पीछे रखी हुई है। देन यहाँ तो आपको पता ही है, ये सब बेल्स लगी हुई हैं और कुछ हैंगिंग लगा रखी है मैंने। तो बस इस तरीके से जो है वो सारे भगवान जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, और काफ़ी सुंदर श्रृंगार हुआ है सभी का। तो अभी मैंने ना थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया है, पहले माता रानी यहाँ थी, अब मैंने माता रानी को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सबसे ऊपर राधा कृष्ण जी है, इसके जब हम नीचे वाले शेल्फ में आते हैं यहाँ मैंने गौ माता विराजमान कर रखी है, और उनके बाजू में है शालिग्राम जी, और शालिग्राम जी को भी मैंने अच्छे से जो है वो मोर पंख लगा के और बांसुरी वगैरह लगा के गद्दी पे अच्छे से बिठा रखा है।
और उसके नीचे वाली शेल्फ में है लड्डू माधव। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पूरा कान्हा जी का हो गया है। और बीच वाले में तो हमेशा से ही जो है वो यही तस्वीरें रखी हुई हैं, भोलेनाथ जी की और साईं बाबा हैं। और इस साइड में मैंने जो है वो माता रानी को बिठाया है, जो कि कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और इसके नीचे जो है ये सिंहासन पे आपने देखा होगा पहले लड्डू बैठते थे, तो अब मैंने लक्ष्मी गणेश जी को बिठा दिया है क्योंकि लड्डू माधव को एक साथ कर दिया है। यहाँ है भोलेनाथ जी की तस्वीर। देन जो नीचे वाला ये शेल्फ है ये पूरा खाली है, इसमें शंख और इनके खिलौने वगैरह भगवान जी के रखे हैं। आप देख रहे हैं राम जी का जो पूरा दरबार है ये जो है वो कहीं पर भी फिट नहीं हो रहा है क्योंकि शेल्फ छोटी हैं, तो मैंने इनको जो है वो यहीं पर बिठा दिया है और यहीं पर तस्वीर जो है वो लगा दी है, इसलिए ये शेल्फ खाली रखी है क्योंकि और भगवान जी अगर आएंगे इनके पीछे तो वो ढक जाएंगे, तो इसलिए इनको जो है वो इस तरीके से बिठा दिया है। देन यहाँ तो हमारे केशव बैठे हुए हैं, इनका तो स्थान फिक्स है। और यहाँ पर है शिवलिंग, यहाँ पर कलश में मैंने रखा है मोरपंख जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो आपने देखा होगा केशव के रूप में काफ़ी बड़े बड़े मोरपंख थे, तो वो रूप में तो ठीक लग रहे थे, यहाँ के समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो मैंने उनको कट करके इस तरीके से कलश में जो है वो डाल दिया है। और पीछे जो है वो भगवान जी की गुल्लक रखी हुई है जिसमें केशव लड्डू माधव के हर मंथ के जो है वो पैसे डाले जाते हैं। और यहाँ पर हैं इनके छोटे छोटे से खिलौने, तो ये दो मोर का जोड़ा है जो मोर मोरनी का जो कि आप लोगों ने देखा ही था। ये जो है ये अभी नए में लेकर आई हूँ, तो ये छोटू सा प्यारा सा खरगोश है, ये एक पैरेट है, चिड़िया है जो भी है, और ये है हाथी। तो ये ना ऐसे इसको घुमाओ तो ये इनमें लाइट जलती है, ये देखो इस तरीके से लाइट जलती है, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और मैं ऐसे ही गई थी तो मुझे रोड पर एक बच्ची जो है वो बेचती हुई दिख गई थी, तो मैंने उसे ले लिया। तो इसमें जो है वो तीनों में लाइट जलती है, कुछ इस तरीके से चाबी ये दे रखी है, इसको घुमाओ तो यहाँ लाइट जलती है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा भगवान जी के लिए जो है वो ले लेती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो है वो मंदिर है, यहाँ तो आपको पता ही है पूजा पाठ होता है तो उसी का सामान रहता है। तो मंदिर जो है वो कुछ इस तरीके का जो है वो लग रहा है। आशा करती हूँ आपको जो है वो आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।